हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका सिमरन का किचन में। एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से इजी डिजर्ट। तो चलिए, हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमने 8 ब्रेड लिए हैं, उन्हें बीच में से हमने कट कर लिया है, देखिए। फिर हमने एक कटोरी मलाई ली है, फ्रेश मलाई है, देखिए घर की मलाई है। हमने बटर स्कॉच वाला कस्टर्ड पाउडर लिया, 2 चम्मच है ये। 4 चम्मच हमने चीनी ली है, देखिए आधा लीटर हमने दूध को बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, देखिए थोड़ा सा पानी डाल के हमने कस्टर्ड को अच्छी तरह से घोल लिया है। देखिए हमने कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चलाते रहना है, क्योंकि इसकी गुठलियाँ ना पड़े इसमें। इसमें हम चीनी डाल देंगे और हम जो मलाई ली है इस मलाई को अभी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि मलाई का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने इसे 1-2 मिनट चलाते ही रहना है, क्योंकि इसमें लम्स ना पड़े। देखिए मलाई बहुत अच्छी इस तरह मिल गई इसमें। हमने इसे लगातार चलाया है 1-2 मिनट, देखिए कस्टर्ड बहुत अच्छी तरह से थिक हो चुका है। बस इतना ही रखना है हम इसे। तेल को गर्म कर लिया है, रिफाइंड ऑयल डाला है। अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे, इन्हें हल्के हल्के ही हमें सेकना है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, देखिए थोड़ा सा ही कलर चेंज हुआ है ब्रेड का। हम ऐसे ही दूसरे स्लाइस डाल देंगे, इन्हें भी हम हल्का लाइट गोल्डन सेक लेंगे। ऐसे ही मैं सारे ब्रेड सेक लूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने ब्रेड सेक लिए हैं सारे, देखिए अब हमारा कस्टर्ड गुनगुना है। तो हम इसे बर्तन में लौट लेते हैं। अब हम इसमें डिप कर देंगे ना अपने ब्रेड जो हमने सेके हैं। देखिए हमने सारे स्लाइस इसमें डुबो दिए हैं अच्छी तरह से। 10-15 मिनट रख के हम इसे फ्रिज में सेट कर लेंगे, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। बहुत ही इजी डिजर्ट है, 5 मिनट में तैयार हो जाता है ये। देखिए हमने 15 मिनट सेट करने के लिए रखा था, अब मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। मैंने थोड़ा सा नारियल लिया है और थोड़ा सा बादाम। लीजिएगा, इजी डिजर्ट तैयार है, बहुत ही आसानी से बनता है, 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। आपका जब मन चाहे मीठा खाने को तो आप ये तैयार कर सकते हो और मीठे का आनंद ले सकते हो। आई होप आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो लाऊं आप सबसे पहले देख सकते हैं। देखिए हम आपको अब निकाल के दिखाते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा डिजर्ट है ये। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।